अगर आप लेखन की दुनिया में आने की तैयारी कर रहे हैं तो मौजूदा समय में युवाओं के लिए मोदी सरकार द्वारा पीएम युवा 2.0 स्कीम संचालित की जा रही है। इसके तहत युवा लेखकों को विभिन्न विषयों पर लिखने का मौका देने के लिए मेंटरशिप योजना चलाई जा रही है। इसमें चयनित होने वाले युवा लेखकों को छात्रवृत्ति के रूप में प्रति माह 50,000 रुपये दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं सदफ सैफी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अगर आप इस योजना में भाग लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 15 जनवरी 2023 तय कर दी गई है। भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में युवा व नए लेखकों की भागीदारी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना लाई गई है। पीएम युवा योजना के पहले भाग में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस प्रक्रिया को शुरू किया गया है। योजना के तहत देश भर में कुल 75 लेखकों का नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से चयन किया जाएगा। मेंटरशिप योजना के अंत में छात्रवृत्ति के रूप में 50,000 रुपये हर महीने के हिसाब से 6 महीने के लिए 3,00,000 रुपये हर युवा लेखक को दिए जाएंगे। बता दें कि युवा आवेदक ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia.mygovernmentyuva पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर ही पीएम युवा 2.0 योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी समय पर प्राप्त कर सकते हैं। 22 अलग अलग भाषाओं के जानकार पीएम युवा 2.0 योजना में हिस्सा ले सकते हैं। इन भाषाओं में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा शामिल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 डिजिटल।